धर्मनगरी हरिद्वार में दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा बनवाए गए डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल सहित स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और कई हस्तियां मौजूद रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी। दिव्य सेवा मिशन सेवा के काफी कार्य करता है और इसके लिए मैं दिव्य सेवा प्रेम मिशन को धन्यवाद देता हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की सड़कों पर काफी कार्य करना अभी जरूरी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सड़कें खराब है उसको हमारे सही किया जाए और अगर किसी को भी कुछ बोलना है वह हमें सीधा बोल सकता है। हमारे कार्य हमारे द्वारा जो है कराए जाएंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हमारा पैसोटवा नर्सिंग कॉलेज खुल गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग रहता है। और मैं आशीष भैया को दिव्य सेवा प्रेम मिशन के संस्थापक आशीष जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज वो बना रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी दे उनको सहयोग होगा हम पूरा करेंगे। सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो मिलेंगे और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं। नहीं, जो भी खराब है हम लोग ठीक कर रहे हैं और सभी लोगों को अपने अपनी बातें जो है हम लोगों को डायरेक्ट बताएं, कोई भी बताएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करते हैं।